दोस्तों, क्या आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं? अगर हाँ और आप सोच रहे हैं कि कौन सा स्मार्टफोन खरीदें, तो आज की मेरी वीडियो शायद आपकी कुछ हेल्प कर दे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Xiaomi Mi A2 के बारे में, साथ ही बात करूंगा Samsung Galaxy J7 2018, Nokia 6 2018 के बारे में, साथ ही इन सभी के बीच में कंपेरिजन करके बताऊंगा कि आपको इन तीनों ही स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए, साथ ही आपके हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं माइके टेक्निकल्स। माइके टेक्निकल्स के फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन भी स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन करने वाले हैं, उनका हम कंपैरिजन करेंगे स्क्रीन के हिसाब से, साथ ही उनमें कौन सा प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, फोन की स्टोरेज क्या है, रैम क्या है, वगैरह वगैरह सभी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि उनके फीचर्स के हिसाब से उनकी प्राइसिंग क्या रखी गई है, साथ ही क्या अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं अपने फीचर के हिसाब से, और आपके लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में आपको देखने को मिलता है Xiaomi Mi A2 में 5.99 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 2160x1080p का रेजोल्यूशन दिया गया है, जिसका स्क्रीन रेशियो 18:9 का दिया गया है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं Samsung Galaxy J7 की। Samsung Galaxy J7 में 5.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है, जो कि एक HD डिस्प्ले होने वाला है। इसका रेजोल्यूशन 720x1280p दिया गया है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं Nokia 6 2018 की। तो इसमें आपको देखने को मिलती है 5.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन 1920x1080p दिया गया है। दोस्तों, इसका एक्सेप्ट स्क्रीन रेशियो 16:9 का दिया गया है। तो दोस्तों, बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के मामले में Xiaomi Mi A2 इन सभी से आगे निकल के आता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीनों ही स्मार्टफोन में लगे हुए प्रोसेसर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं Xiaomi Mi A2 की। Mi A2 में आपको देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 625 का प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। साथ ही बात करें Samsung Galaxy J7 की, तो J7 में आपको देखने को मिलता है 1.6 GHz पर काम करने वाला एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि एक SoC प्रोसेसर है। दोस्तों, आप बात करें Nokia 6 2018 की, तो इसमें आपको देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 630 प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर ही है। दोस्तों, बात करें प्रोसेसर के मामले में, तो प्रोसेसर के मामले में Nokia 6 बाजी मार के ले जाता है। दोस्तों, साथ ही बात करें OS की, तो तीनों ही स्मार्टफोन में आपको Android Oreo का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि 8.0 का सपोर्ट तीनों ही स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, आप बात करें तीनों ही फोन में लगे हुए रैम के और स्टोरेज की, तो तीनों ही फोनों में रैम के मामले में बराबर है। तीनों में ही आपको 3GB रैम और 4GB रैम का वेरिएंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन स्टोरेज के मामले में Xiaomi Mi A2 थोड़ा बाजी मार के ले जाता है। Mi A2 में आपको 64GB और 128GB वेरिएंट देखने को मिलता है, वहीं आपको Nokia 6 में और Samsung Galaxy J7 में आपको 32GB और 64GB वेरिएंट ही देखने को मिल जाता है। तो स्टोरेज के मामले में और रैम के मामले में Xiaomi Mi A2 बाजी मार के ले जाता है। दोस्तों, आप बात करें तीनों ही स्मार्टफोन में पावर देने के लिए फोन की बैटरी की, तो Xiaomi Mi A2 में आपको देखने को मिलता है 2910mAh की बैटरी, Samsung Galaxy J7 में आपको देखने को मिलती है 3300mAh की बैटरी, और वहीं आपको Nokia 6 में देखने को मिलती है 3000mAh की बैटरी, लेकिन Nokia 6 में आपको USB Type-C का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके बावजूद भी बैटरी के मामले में Samsung Galaxy J7 बाजी मार के ले जाता है, क्योंकि Samsung Galaxy J7 में आपको 3300mAh की बैटरी देखने को मिलती है। दोस्तों, आप बात करें फोनों के सबसे हाईलाइटिंग फीचर यानी फोन की कैमरा की, Xiaomi Mi A2 में आपको देखने को मिलता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, साथ ही बैक में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 20 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। दोस्तों, आप बात करें Samsung Galaxy J7 की, तो J7 में आपको देखने को मिलता है फ्रंट में 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, जिसके बैक में आपको देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल कैमरा प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप। दोस्तों, आप बात करते हैं Nokia 6 की। Nokia 6 में सबसे बड़ा फोन कहीं तो Nokia के बैक में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को नहीं मिलता है, Nokia के फ्रंट में आपको देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, साथ ही बैक में 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा दिया गया है। दोस्तों, बात करें कैमरा की, तो कैमरा में बाजी मार के ले जाता है Xiaomi Mi A2। दोस्तों, बात करें तीनों ही स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो सबसे पहले बात करते हैं Xiaomi Mi A2 की। Mi A2 की प्राइसिंग रखी गई है 15,999 रुपये, Samsung Galaxy J7 2018 की कीमत रखी गई है 16,990 रुपये, वहीं Nokia 6 2018 की कीमत रखी गई है 16,999 रुपये। दोस्तों, प्राइसिंग के मामले में Xiaomi Mi A2 की प्राइसिंग सबसे कम रखी गई है, लेकिन क्या Xiaomi Mi A2 की प्राइसिंग वैल्यू फॉर मनी है, या इन तीनों स्मार्टफोन में से विनर कौन निकल के आता है, आप सभी जान ही गए होंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट स्मार्टफोन निकल के आता है वह Xiaomi Mi A2। शायद अगर आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से Xiaomi Mi A2 आपके लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा। Samsung Galaxy J7 भी ठीक ठाक है, लेकिन Nokia 6 भी बेस्ट है, लेकिन इन सभी में फीचर का अगर कंपैरिजन करें, ओवरऑल के मामले में कंपैरिजन करें, तो सबसे बेस्ट निकल के आता है Xiaomi Mi A2।
जहां बैटरी के मामले में सैमसंग गैलेक्सी J7 निकल के सामने आया, प्रोसेसर के मामले में नोकिया 6 सामने निकल के आया। लेकिन ओवरऑल की बात करूँ तो ओवरऑल के मामले में आपको अगर खरीदना है तो Xiaomi Mi A2 को खरीद सकते हैं, काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल YK Technicals को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हमारी नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।